हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एच ब्यूटीफुल बर्ड्स पर। तो दोस्तों, 5 दिन में ही सेटअप में अंडे आ गए थे, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नीचे पड़े हुए फ्लोर पर ये अंडे। ये कैसे क्या हुआ है तो आपको वो मैं अभी पूरा दिखा दूंगा वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बजीज पैरेट आप देख सकते हैं, ये बजीज पैरेट हमारे हैं और इनके कलर आप देख सकते हैं। इसमें ये ओपल एंड ग्रीन मेल है, एक ये फीमेल जो आप देख रहे हैं स्पेंगल की सी ग्रीन में है। और जो मैं बात कर रहा था वो अंडों को लेकर, ये फ्लोर पे आप देख सकते हैं, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 दिन में अंडे आए थे और ये बाहर क्यों पड़े हैं, उसकी वजह है क्योंकि फाइट हो गई है बजीज पैरेट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ये अंडा पड़ा हुआ है और एक अंडा ये पड़ा हुआ है, तो इस तरीके 3-4 अंडे पड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, बजीज पैरेट ब्रीड अच्छी करते हैं और ब्रीड के साथ साथ फाइट भी बहुत अच्छी करते हैं। ये देखिए, ये ब्लड पड़ा हुआ है। तो ये दो फीमेल्स आपस मसले को लेकर फाइट कर बैठी और जिसके कारण ये अंडे जो आपको दिख रहे हैं फ्लोर पर, ये उन्होंने फेंक दी लड़ाई हुए और दोनों को चोट भी आई है। ये बैठी है एक फीमेल वाइट पैड में, इसकी फाइट हुई है। और आगे जो दूसरी फीमेल है उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको, जब तक आप ये देख लीजिए कलर। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कलर कैसे लगे आपको इन बजीज पैरेट के। तो दोस्तों, बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि बर्ड्स लवर जो भी होते हैं उनको बुरा लगता है जब अब इस तरीके से बर्ड्स को चोट लगे या अंडे आए हों और वो फेंक दिए हों लड़ाई में, और चोट अलग से लग गई है, अंडे भी फेंक गए हैं, ब्रीड भी अब वो रुक गई है एक तरीके से, आपस में लड़ गए तो फेंक भी नहीं है, वो फिट पार्ट हो जाएंगे तभी अंडे रखेंगे दोस्तों। तो बहुत खुशी मिली थी जब मैंने 2 दिन पहले देखा था, तो मैंने सोचा था 5 दिन में अंडे आए, ये भी डालूंगा। ये देखिए पैट की मादा कितनी अब वैसी हो गई है कि जाली पकड़ के चढ़ रही है ऊपर, इतनी फाइट हुई है इनकी। और आप फ्लोर पर जो ब्लड पड़ा था वो भी देखा होगा आप। और बाकी तो बर्ड्स फिट पार्ट हैं, आप देख ही रहे होंगे उड़ रहे हैं। कलर कैसे हैं आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। एक ये देखिए क्रीम नो ब्लैक आई स्प्रिट स्पेंगल का है ये, और ये कलर आप लोग सब देख ही रहे हैं। कुछ ओपलाइंस बर्ड हैं, कुछ स्पेंगल हैं, कुछ येलो पैड में हैं। तो देर ना करके अब आपको वो फीमेल भी दिखाते हैं जिसकी फाइट हुई है उस पैड फीमेल से। ये देखिए आप, ये फीमेल है जिसके साथ उसकी फाइट हुई है और इस घोंसले में सबसे पहले अंडे आए थे। और अभी ये बर्ड साइड से हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके निशान भी, अंडे जो इसमें रखे थे वो फूटे हुए। ये देख सकते हैं आप, ये निशान जो दिख रहे हैं ये साफ बता रहे हैं कि इसमें फाइट हुई है और ये अंडे फूटे हुए हैं, क्योंकि जब अंडा फूट जाता है तो इस तरीके से निशान मटकियों में साफ देख सकते हैं। जो लोग पुराने बर्ड्स पाल रहे हैं उनको पता है ये कि ये किस तरीके के निशान है, उनको ये जानकारी है। तो जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ मैं। और ये देखिए आप, ये वो फीमेल है पैट की, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और आप छोटे लोग हैं, ये मेल बैठा हुआ है स्पेंगल में ग्रीन और येलो में, और एक ये पैड में मेल है, एक पीछे स्पेंगल ग्रीन का मेल है। इस तरीके के कलर ही हैं हमारे पास, ये क्रीम नो। और ये मटकियाँ आपको चेक कराता हूँ, ये एक तो अभी खाली है, ज़्यादा किसी में नहीं आए थे, 2 में ही आए थे अंडे। और ये देखिए ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो ज़्यादा मटकियों में अंडे नहीं आए थे, 2 में बर्ड ने रख दिए थे, फाइट हुई और वो अंडे फेंके फूटे। और ये देखिए माशाल्लाह से एक अंडा इसमें भी है, तो अभी एक अंडा तो आ गया तो उसकी खुशी है हमें, और आगे भी ऐसी ही ब्रीड मिलेगी और वो भी मैं आपको अपने साथ आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। ये देखिए आप कलर लाइन से ये सब बैठे हुए हैं, यही बर्ड अभी फिलहाल है हमारे पास। और ये मटकी देखते हैं, देखिए इसमें भी अंडा फूटा हुआ है। तो फाइट काफ़ी ख़तरनाक हुई है, ब्लड और अंडे फेंके तरीके बर्ड की हालत है, उस हिसाब से ये साफ पता चल रहा है कि काफ़ी फाइट हो गया। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़
बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसका। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।